लखीमपुर खीरी में सड़क के किनारे खेत में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू। अभी तक मृतक के परिजनों का नहीं चल सका है पता, शव की नहीं हो पा रही है शिनाख्त। कोतवाली पलिया के पलिया निघासन मार्ग पर ग्राम इटैया के पास का मामला। हतुहा में राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। पंचायतों को कार्यकाल 6 महीना बढ़ाया जाए और पंचायत को अफसरशाही से मुक्ति करने के सवाल पर भाकपा माले ने शहरी और ग्रामीण में विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन चलाया, जिसने पंचायत को नौकरशाह के हाथ में सपना बंद करो और 6 महीने का पंचायत को विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करो। राज्यव्यापी विरोध दिवस उसका अंडारी सुडीहा बांकीपुर गोरख मिर्जापुर नोहटा के ग्रामीणों और शहरों में कई स्थानों पर किया गया, जिसमें भाकपा माले के मुन्ना पंडित पंकज यादव दीना शाह और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध दिवस का नेतृत्व किया। बेतिया जिले की साठी थाना क्षेत्र के वसंतपुर गांव में हुई दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर की कुर्ती जब्ती की। बता दें कि इस कांड में कुल 11 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें ठग यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष 10 अभियुक्तों के घर को साठी व शिकारपुर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में पुलिस बल के साथ बड़े पैमाने पर कुर्की जब्ती की। जानकारी के अनुसार भूमि विवाद को लेकर वसंतपुर गाँव में 22 मई की रात्रि अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हालत में अभी भी इलाजरत है। दोहरी हत्याकांड में नामजद आरोपित फरार होने को लेकर कुछ दिन पूर्व इश्तिहार छपवाया, तत्पश्चात पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर आज कुर्की किया गया। इस दौरान पुलिस ने घर में रखे सामानों के साथ गेट ग्रिल समेत अन्य को तोड़कर जब्त कर थाने ले गई। तैनात मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने बताया कि फरार सभी आरोपियों के घर के कुर्की का आदेश न्यायालय से प्राप्त है। आज 2 घरों का कुर्की किया गया है, आगे भी अन्य आरोपित के कुर्की की जाएगी। मामला खगड़िया जिले के नगर थाना का है। नगर थाना में पदस्थापित दरोगा राजकुमार सिंह थाना परिसर स्थित अपने आवास पर शराब का सेवन कर रहे थे। इसकी भनक पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह ने दरोगा राजकुमार सिंह को उनके आवास से उन्हें शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने दरोगा राजकुमार सिंह को हिरासत में लेकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद सदर पीएचसी में मेडिकल जांच करवाया गया, जिसमें दरोगा के शरीर में 85.3% अल्कोहल की पुष्टि हुई। इसके बाद नगर पुलिस ने शराबी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक साहनी का मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खगड़िया बकरी मार के कोठिया ढाला के समीप से अपहरण हुआ। बताया जाता है कि बोलेरो चालक बबलू साहनी के साथ गंगौर थाना क्षेत्र स्थित एक जलकर का जायजा लेकर बाइक से बलुआई स्थित अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अमितेश कुमार के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों के नाकेबंदी कर दिए गए। साथ ही सदर एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में अपहृत की सकुशल बरामदगी के लिए अपराधियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इस बीच पुलिस ने अपहृत के चालक बबलू साहनी को कोठिया बहियार से बरामद कर लिया है। साथ ही उसी स्थान से बाइक की भी बरामदगी हुई है। अपहरण की घटना से अपहृत के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना को चुनावी रंजिश के कारण अंजाम दिए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।